कहा जमाना आ गया है भाई, जब देखो एक से एक बुरी खबर, एक से एक बुरी खबर, समझ में ही नहीं आता। हद हो गई। क्या पागल पागल हो गया क्या? अखबार में देखिए किससे बातें कर रहे हैं। अरे बापन भैया, चाहे अखबार पढ़ो चाहे न्यूज देखो, सिर्फ बुरी से बुरी खबरें देखने को मिलती हैं बस। क्यों, ऐसा क्या हो गया, मेरे को भी बता। अगर दिल मजबूत है तो सुनाए। दिल ए शेर का जिगरा या पूरा शेर का जिगरा? ए भाई, हम जिगर का नहीं दिल का पूछ रहे। पता नहीं है जिगर वाली मिसाल किसने बना दी भाई, जिगर ये वाला काम नहीं करता। डॉक्टर साहिबा प्लीज प्लीज मुझे खबरें सुनाए यार। चलो फिर सुनो, दिल पे हाथ रखो। अब सुनो, एक लड़की ने पसंद की शादी ना होने पर जिंदगी भर शादी ना करने का फैसला कर लिया। तो इसमें क्या बुराई? लो अगला सुनो, एक ही घर की तीन लड़कियों ने एक साथ खुदकुशी करने की कोशिश कर ली। इसमें क्या बुराई? लो अब एक और सुन लो, एक लड़की के चार मुस्तंडे भाइयों ने महबूबा के कदमों में वाले बाबा को मार मार के उनका भुरकस निकाल दिया। क्यों? अबे यार, वो किसी गरीब आशिक की मदद कर रहा होगा। बताओ, दो दिलों को जोड़ने वाले के साथ ऐसा सलूक? प्यारे, ये कौन सा अखबार है जिसमें सारी खबरें जो है लेडीज की है? ये हमारे दोस्त का अखबार है। अबे यार चल जा, मैं जरा सलाह को फोन कर लूँ, सुबह से वेट कर रही हूँ। आप उठ गई? हाँ मैं उठ गई, लेकिन आजकल तुम लोग बड़ा जल्दी उठ रहे हो। हम जल्दी नहीं उठ रहे हैं, आप बहुत देर तक सो रही हैं। अच्छा ये बताओ क्या हो रहा है? नहीं जी, प्यारे जो है अखबार पढ़ पढ़ के सुना रहे, आप भी सुन लो, आपकी मालूमात में एकदम से बहुत सारा इजाफा हो जाएगा। नहीं ऐसी कोई जरूरत नहीं, मुझे टेंशन वाली खबरें सुनने का कोई शौक नहीं। अरे तो क्या आपको टार्जन की कहानी सुना दे? चुप कर, और तुम दोनों जाओ, मेरे नाश्ता लेके आओ, भूख लगी। जी नौशी जी, बस मैं सना से कोई दो घंटे बात कर लूँ, फिर मैं आपके लिए नाश्ता लेके आ जाऊंगा। अरे बब्बन भैया, ये खबर चेक करो भाई। क्या? ये देखो, पाकिस्तानी निजाद एक्टर जो कि लंदन चला गया था, बहुत मशहूर हो गया, वो वापस आ रहा है पाकिस्तान। अबे ये कैसा एक्टर है, तो कुत्ते की तस्वीर है। अबे ये वाला देखो, ये यार हमारा वाला लंदन जाके मशहूर हो गया बहुत। यार लड़का यार, दिल चाह रही थी शादी कर लूं मैं। मुझे भी दिखाओ, मैंने कभी लंदन के अदाकार नहीं देखे। बताओ उस पर कितने का टिकट लगेगा? अरे ये तो बड़ा जाना पहचाना लग रहा है। लो भाई, जाना पहचाना लग रहा है, मैं ऐसे जानती हूँ। नोशी, हमें भी ऐसा ही लगता है कि फैसल कुरैशी अब ऐसा काम करता था। नोशी मशहूर लोग हैं, ऐसा ही लगता है इनके बारे में। अरे नहीं नहीं, अरे ये तो नवीद है। लो अबे, पर नाम भी नवीद ही लिखा, जानती है का? हाँ प्यारे, मैं ना किसी बचपन की दोस्त हूँ, हम दोनों बचपन में खेलते थे। बस बहुत हो गया, इससे ज्यादा हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, बहुत लंबी फेंक दिया मार। अरे बब्बन, मैं सच कह रही हूँ, हम खेलते थे। जी जी नोजी, मैं भी सच कह रहा हूँ, मेरी दोनों आंखें नहीं है, मुंह भी नहीं है, टांगे भी नहीं है। अरे बब्बन, नहीं नहीं मैं सच कह रही हूँ, हम दोनों खेलते थे। ए बब्बन प्यारे, सुन सुन ना, क्या किस्मत है वजीर। तो ऐसे बोल रहे हो जैसे बरसों से स्कूल में पढ़े हो, कभी शक्ल देखी है स्कूल की? अरे तो यस मिस, और कहाँ से सीखेंगे? पता है मुझे, पता है कहाँ से सीखा है तुमने? वो जो स्कूल में छुट्टी का बैल बजाते हैं ना लाला, वो थे तुम। यूनिफॉर्म ऐसे पहन के आते थे जैसे स्टूडेंट हो। खैरन वाह, आज तो उर्दू में के कोने कोने में से अंग्रेजियां। ज्यादा बकवास ना करो। अच्छा क्या कर रहे थे? आपके लिए कल रात वाले गंदी पलेटें हमने धो रखी हैं, ताकि अगले दिन दोपहर में आपको साफ पलेटों में खाना मिल सके। ये सारे एहसान मुझ पे जताने की जरूरत नहीं है। अच्छा ये बताओ बब्बन प्यारे कहाँ है, अभी तो आवाजें आ रही थी। वो नौशी जी के लिए नाश्ता लेने गए हैं, डबल रोटी और एग्स। ओ डबल रोटी और एग्स, ये मोटी मुर्गी वो खाएगी? अरे कितना जलेंगी आप, कितना जलेंगी। अब अगर वो ब्यूटी है तो क्या कर सकते हैं? हाय हाय, ब्यूटी है, तुमने जिंदगी में कभी ब्यूटी देखी है? बिल्कुल सही, मैंने जिंदगी में कभी ब्यूटी देखी ही नहीं। ये ज्यादा आंखें यूं यूं मत करो। अच्छा निकाल के तुम्हारी हथेली पे रख दूंगी, एक तुम बेशरम और एक तुम्हारे वो हसीन बच्चे। क्यों, किड्स ने क्या कर दिया? किड्स ने, किड्स को तीन दिन से कह रही हूँ, मेरा एक काम कर दो, काम कर दो, काम कर दो, मगर मजाले जो उन पे असर हुआ हो, नोशी के लिए नाश्ता लेने गए। वाह ओके बाय। ए हेलो, वेयर आर यू गोइंग? किधर जा रही है? तुमसे मतलब? अरे तुमसे मतलब, मेरे बेटों को भेज दिया तुमने अंडे और ब्रेड लेने के लिए और खुद कहीं और चल दी। ओह हाँ याद आया, असल में कह रही ना मुझे काम से बाहर जाने, तो अभी निकलना होगा। बाय। तो जरूरी काम के लिए तो हम भी साथ चल सकते हैं, हम आपका जरूरी काम जल्दी में करवा देंगे। आए,
औकात मेरे कोई जरूरत नहीं है, नौशी अकेली ही काफी है। हाँ, नौशी अकेली ही काफी है इस दुनिया का सत्यानाश करने के लिए। बस कर दीजिए, खैरन हमसे और बर्दाश्त नहीं होता, प्लीज खामोश हो जाइए, अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है। तो तेरी इज्जत भी मेरे हाथ में, समझ गया? ओहो, लड़ो मरो, कत्ल कर दो दूसरे का, मैं जाऊं? ए बात सुन, प्लीज ब्रिंग 1 kg रेड मीट। अरे नौशी मॉल जा सकती है, और आप जाएंगी मॉल? नहीं, तू जाएगा मॉल। हाँ जाएंगे तो जाएंगे। बात सुन, उसकी ज्यादा प्यारी प्यारी बातें ना सुना कर, समझ गया? अरे वो बोलती है ऐसा, चुप जा बोर्ची खाने, बहुत प्यारे प्यारे मेले से बर्तन धुलने का इंतजार कर रहे। चलो अंदर, चलो दोस्त। हमारी शादी इस घर में ना हुई होती तो तू नवाब का बच्चा होता है। अरे हम हैं नवाब के बच्चे। अरे चलो। लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो मार रहा थोड़ा, दौड़ा 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 घोड़ा धुम दबा के दौड़ा। अरे मगर ये तो घोड़ा है ही नहीं। चलो यार जल्दी आओ। अरे ले आए नौशी जी का नाश्ता। अरे तुम्हें तो पता है अब्बा, जब तक नौशी हमारे हाथ से नाश्ता नहीं करती ना, उसका दिन शुरू नहीं होता। हाँ तो अच्छी बात है भाई, अंदर जाकर नाश्ता लगाओ, हम अभी आते हैं। तुम किस खुशी में आ रहे हो? अरे वो नौशी जा चुकी है ना, अभी नाश्ता हमको ही करना पड़ेगा। नौशी कहाँ गई? अरे वो हमका नहीं पता, जल्दी में थी कहीं निकल गए। बब्बन भैया। अरे बब्बन भैया क्या झूठ बोल रहा होगा, अंदर चल के चेक करते। अरे चेक कर लो। अरे नौशी जो काम दिल से करवाती है ना, वो सिर्फ वजीर से करवाती है। अरे चलो चलो नाश्ता लगाओ हमारे। हाँ तो भाई कितने हुए? 300 रुपया हो गया भाई। नवीन जरा 300 रुपए दे दो। मैं? हाँ। Oh my God, भाईजान ये लो। नवीन ये ना मेरा घर है। क्या मतलब? इस घर में तुम रहती हो? वाह भाई, तुम तो बहुत तेज निकली। थैंक यू। चलो अंदर चलें। लेकिन वो तुम्हारे घर वाले माइंड करेंगे कि मैं तुम्हारे से सर दूँ। ले, घर में कोई है नहीं। कोई भी नहीं रहता? अकेली रहती हो तुम? हाँ, मैं और मेरे 4 नौकर। वाह वाह वाह, पाकिस्तान में भी क्या मजे होते हैं, 4 नौकर एक आदमी के लिए, यार वाह। वो असल में ना बड़ा ही गरीब खानदान था, तो मैंने सबको ही रख लिया, वो थोड़े से सरफिरे हैं। बदतमीज है। हाँ मतलब असल में मैं इनको हमेशा ना फैमिली की तरह ही ट्रीट करती हूँ, नौकर कभी समझा ही नहीं तो सर पर चढ़ गए मेरे। तुम ना उनकी बात का बुरा मत मानो, सीरियसली मत लेना। कभी कभी कभी। चले चलो चलो चले अंदर आओ अंदर आओ, ये मेरा घर। ओहो वाह, नाइस हाउस। नौशी फरीज। अबे ये क्या गेम खेल रहा है बे तू? अरे हमने आपको चुपचाप जाते देखा तो फरीज कर दिया। सही है, अब मैं जाऊं। अरे ये कौन? ये नवीद है। नवीद तुमको क्या हुआ, ऐसे फ्रीज क्यों हो गए हो? इन्होंने मुझे फ्रीज कर दिया है। ओ पागल, इसको अनफ्रीज कर। हां अनफ्रीज। थैंक यू वजीर। ठीक है जो भी है, अब ये बताओ कि ये कौन है और ये को अंदर क्यों ले जा रही हो? ये मेरे बचपन का दोस्त है, बाहर से आया। वो तो हम भी अपनी आंखों से देख रहे हैं कि दोनों बाहर ही से आए। बाहर का मतलब है दूसरे मुल्क से आया है। अरे वाह नौशी जी, हमारे साथ रह रहकर आप भी फेंकू हो गई। आया मुल्तान से होगा, बाहर मुल्क से आया है। अरे नौशी कौन है? अरे जितनी बकवास कर रहा है। ए पीले मुन्ना हमारी बात सुनो, हम हैं वजीर इस घर के। हाँ, बस ठीक है, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। हाँ मैं समझ गया, ये वो है, माली है ना माली। अरे हम शक्ल से माली लग रहे हैं। तुम जो शक्ल से लग रहे हो मुन्ना, वो मैं तुम्हें बता नहीं सकता। Alright. ये तो इस घर की रौनक है। हाँ। इस घर के काम करते, कपड़े धोते, खाना बनाते, बर्तन धोते। बस बस नौशी जी थक जाएंगे, हम बता देते हैं। और नौशी जी के सारे काम हम अपने इन मजबूत हाथों से सर अंजाम देते हैं। वो तो मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारे कितने मजबूत हाथ हैं। वैसे एक बात बताओ मुझे, अगर सारे काम ये करता है तो बाकी के नौकर क्या करते हैं? नौकर कौन? नौकर आप कौन? नौकर इस घर में कोई नौकर नहीं होता। नहीं 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 नहीं, कोई नौकर नहीं है, सब बराबर है। तुम नौकर नहीं हो वजीर? हां तुम नौकर नहीं हो। ये क्या कर रहे हो? हमारी बात सुनो।
कितनी देर रुकेगा यहाँ? देर मतलब नवीद साहब यहाँ रहेंगे, कुछ दिन तक रहेंगे। चले चलो चलो चलो, आजो आजो। वाह भाई वाह, ये लगता है पूरी दाल काली होने वाली। ये रिपोर्ट हम प्यारे बब्बन को पहले दें या खैरन को, भाई जो भी मिल गया उसको दे देंगे। चलो भाई आओ भाई, छोटू मियाँ तुम्हारे साथ बाद में बात करेंगे, पहले हम जरा ये काम करके आते हैं। जल्दी आओ। ओह माय गॉड, नाइस हाउस, आई लव इट। थैंक यू। ओह ये छोटी नौकर की भीवी लग रही है जो बाहर में लगा था। हाँ वही है, लेकिन बड़ी सर चली। अच्छा इसको जरा मुंह मत लगाना प्लीज। अच्छा अच्छा आ गई तू? तू 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 नहीं तो क्या, ऐसे आप कहो कौन है ये, कहां से उठा के लाई है इसको? ये नवीद साहब है। तेरे किसी मेहमान को मैं साहब नहीं कहूंगी। अच्छा कौन है ये? तेरी तरह कोई मैला ही लग रही है। Excuse me, don't call me मैला, this is too much। तुमने अपने नौकरों को इतना सर चढ़ा रखा है। किसने सर चढ़ाया है और कैसे सर चढ़ाया है? तू बता तू है कौन? ये लंदन में अदाकार है, मेरे बचपन के दोस्त है। अच्छा लंदन का अदाकार है? लंदन के अदाकार अंग्रेजी में बात करते हैं, ये तो उर्दू बोल रहा है। I can't speak in English, it doesn't matter like this. ये बता आया क्यों है तू? मैं एक्चुअली मैं फिल्म में काम करना है। क्या नवीद, तुम पाकिस्तानी फिल्म में काम कर रहे हो? मुझे ये नहीं पता कि तू पाकिस्तान फिल्मों में काम करने आया है। मुझे ये बता तू मेरे घर में क्या कर रहा है? मेरा घर? सारी खोले यही खोल दोगी क्या? इनको आराम तो करने दो। हाँ, मैं आपको कमरा दिखा दूंगा आपका। इसका कमरा? या मेरा कमरा? एक मिनट, इनको मैं ज्यादा कुछ बोल नहीं रही हूँ ना, तो तुम ज्यादा सर पे चढ़कर मत नाचो। नवीद बहुत ऊंची पहुंच है, एक मिनट में फोन करके ना अंग्रेजी पुलिस बुला लेगा। तू डरा रही है इससे? मुझे डरा रही हूँ ना, बाद में बात करते हैं। चले हाँ, उससे पहले यार प्लीज मुझे कुछ सर के दर्द की दवा दे दो, मेरा सर फट रहा है। हाँ, चले वहाँ से। हाँ, एक मिनट हाँ। तुम एक तो बैग मेरा कमरे में पहुँचाओ और दूसरा ब्लैक कॉफी लेकर। चल तेरे बाप की नौकर हूँ मैं। चल जा उसके मुंह पे काफी भी मार, बैग ले जा उसका। कमबख्त पता नहीं चुप ना करो, चल पता नहीं कहाँ से उठा के लाएगी, इससे तो मिटेंगे प्यारे और बब्बन। खाना वाना तो बाद में देख लेंगे, पहले तुम मुझे बताओ कि तुम करती क्या? मैं कुछ नहीं। क्या मतलब कुछ नहीं करती हो तो घर का खर्चा कैसे चलता है? ऐसा बिग हाउस। वो असल में इसी खर्चे से तीन चार घर और है ना, किराए पे चढ़ा दिए, लाखों रुपए आते। लैंडलेडी, ओह माय गॉड, तुमने शादी की नहीं है अभी तक? सच बताऊं? वो जब से तुम बाहर गए हो ना इस मुल्क से, मैं तुम्हें याद कर करके ना रोती थी, किसी के साथ दिल ही नहीं लगा। इसका मतलब तुम भी? हाँ। एक काम करो कि एक कप चाय पिला दो। चाय अभी लाती हूँ। ओह माय गॉड, कहाँ फंस गया मैं? हाँ बॉस, किस चक्कर में आए हो आप इधर? आप दोनों कौन है? अरे ये आदमी तो हमें देखा देखा लग रहा है यार। मैं तो भी थोड़ा देखा देखा तो लग रहा है वैसे। ओहो ये नवीद है। नवीद कौन? जिसको तुम आज सुबह अखबार में देख रहे थे ना, वही अदाकार जो लंदन से आए हैं। अरे बाप रे, नवीद भाई इतना बड़ा अदाकार हमारे घर में क्या कर रहे हो यार? उसकी शक्ल तो वो अखबार वाले लड़के से लग रही है मिंती जो। पीछे शक्ल नहीं, पूरा नवीद खान तुम्हारे सामने खड़ा हुआ है। अरे वही है, बताओ ना हमारे घर में क्या कर रहे हो तुम? नौशी ये तुम कौन है? वो वजीर खैरम के बेटे हैं। अच्छा वो? लंदन कैसा चल रहा है? अरे वहाँ तो बहुत सर्दी होगी ना? बहुत सर्दी होती है।
लेकिन आप दोनों करते क्या? हाँ हम सारे करते हैं। मैं जलील करता हूँ। जलील कैसे करते हो आप? कुछ नहीं करते बाबन प्यारे। ये नवीन मेरे बचपन का दोस्त है। तुम लोग कैसे ना मुझे कोई मुंह ही रखा था। देखो आ गए यहाँ हमारे घर पे। हाँ नौशी हम तो मान गए आपको। अब चलो ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो इनका। इनको आराम करना। नौशी वो मैं रखकर आई हूँ ना। हम लेकर आएंगे। हम भी इनकी खिदमत करेंगे नवीन भाई। प्यारे चले काम करते। इनके लिए बड़े वाले सिमो से लेके आते जिसकी चोंच बड़ी होती है ऊपर। हम भी लेके आएंगे। नौशी आप साथ चलो ना। हमारा हाथ बटा देना। चट्टी लेके आ रही है ये मिर्ची और उसके ऊपर चट्टी। ये हेल कौन लोग हैं भाई। शकील भाई मैं कराची पहुंच चुका हूँ अपने दोस्त के घर। एक दफा मैं होटल शिफ्ट हो जाऊं फिर आप मुझसे आके मिल लीजिएगा। थैंक यू खुदा हाफिज। अरे नवीद भाई आप जाग गए। प्यारे भाई आपको और क्या लग रहा है? हमें तो आप बहुत चाको चौबंद लग रहे हैं भाई। वैसे नवी भाई आपसे हमें गुजारिश कर दें। हाँ जी बोलिए। क्या ऐसा होता है कि हम आपके साथ लंदन चले जाएं वहाँ हजार लोगों के कॉन्सर्ट में बैठकर एक गजल सुनाते और लोग वाह-वाह करते हैं। वाह प्यारे भाई वाह ब्रेक लगाएं। आपने तो एक बात में इतनी सारी ख्वाहिशें बोल दी। जैसे के आप लंदन चले जाएं। हाँ उसके बाद वहाँ पे आप शेर व शायरी सुनाएं। ओके और हजारों लोग हो वहाँ पर। ओके और सबसे बड़ी बात वो वाह वाह करें। कम ऑन। अरे तो कहा गया इसमें कौन सी बड़ी बात है? लेट मी एक्सप्लेन दिस टू यू प्यारे भाई। आजकल का जो टाइम है आजकल की जो जनरेशन है ना दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन शेर व शायरी। अच्छा मजा नहीं आता उन लोगों को। अरे लेकिन अभी आपके भी तो हजारों मतदा है यार। भाई मैं एक एक्टर हूँ। अच्छा। लोगों को सिंगर और एक्टर पसंद होते हैं बस। तो यानी कि या तो एक्टर बनना पड़ेगा या सिंगर बनना पड़ेगा। Exactly, प्यारे भाई। वाह वाह बहुत अच्छी बात बताई। हाई फाइव। हाय फाइव हम आते हैं। ओह माय गॉड क्या दूसरी फैमिली है। अम्मा देख मैं तुझे कहता था ना कि तेरी नौशी अब रिश्ता भी लोगे कि उसका मेरा रिश्ता हो जाए और तू उसकी और वो उसकी उसका वो बन जाए। क्या बन जाए? मतलब तेरी बहू बन जाए। हैं ये खाना पकाना सीख गई है भाई। अब तो कुछ सोचना पड़ेगा। खैर अपने छोटे से दिमाग पे ज्यादा बोझ मत डालो। ये खाना वैसे भी मैं नवीद के लिए बना रही हूँ। ले सुन ले नौशी जी। उसके लिए इतनी मेहनत क्यों कर रही आप? मैं बाहर से मंगवा लेता हूँ ना। अरे नहीं नहीं कैसी बातें कर रहा है। मैं खुद अपने हाथों से बनाऊंगी ना नवीद के लिए। इसको साबित भी तो करना है कि मैं अच्छी बीवी बन सकती हूँ। ओहो ले सुन ले बब्बन मुझे तो लग रहा है कि तेरे अरमानों के जलने की बू आ रही है। ऐसा नहीं बोला अगर आपने ऐसा कर दिया ना तो मैं तो यतीम हो जाऊंगा ना। मेरी बात सुन। तू मेरा मजाक उड़ाता था ना कि मेरा कोई दोस्त नहीं मुझे कोई नहीं पूछता। जल 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 के मर जा और रोता रहे समंदर में डूब के मर जा। मेरा दोस्त भी आ रहा है मेरी शादी भी हो। अबे जा यहाँ से। रो रो के मनु सब फैला रहा है मेरा सालन जल जाए। अरे दफा हो सालन जल जाएगा। अरे मेरा बच्चा तू क्यों रो रहा है? तू परेशान ना हो मैं तेरी शादी ना एक बहुत बड़ी अदाकारा के साथ कराऊंगी। आ मेरे साथ दफा कर इसको। छोड़ ना तुझे जलील कर रही है घटिया आदमी फिर भी नहीं मान रहा बेगैरत। चल प्यारे जरा छुरी देना। अरे खाना तो खा लिया तुमने यार। अरे खाना खा लिया ना दांतों में बोटी निकालनी है यार। ले बोटी निकाल रहे हो इंजन खोल रहे हो। वैसे नौशी जी आपका हाथ भी जिस कॉर्नर को लग जाए मजेदार हो जाए मगर लगता है नवीद साहब को ज्यादा आपका खाना पसंद नहीं आया। ना देखा मैंने बहुत मुंह बना है ना। जी नहीं ऐसी कोई बात नहीं है मुझे की जरूरत नहीं है। अच्छा वो अदाकार है उनको अपने पेट का भी ख्याल रखना पड़ता है। हाँ सही बोल रही सही बोल रही है। प्यारे तू किन सोचो मैं गोवा पड़ा हुआ। अरे हमारे दिमाग में ना घीच डाल दिया नवीद भाई ने उसको पानी दे रहे हैं। अरे वाह नवीद भाई आ गए और साथ बैग भी लेकर आए हैं। वाह 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 अरे लगता है बैग में चॉकलेट है अभी निकालेंगे और तमाम गांव वालों में बांटेंगे। क्यों चुप कर सब बोल रहे हम नहीं बोल रहे। वो मैं होटल जा रहा हूँ शिफ्ट हो रहा हूँ एक्चुअली वो प्रोड्यूसर डायरेक्टर वही है तो मीटिंग करने लगे तो हम वही मिल लेंगे। चलो ये तो चला। हाँ लेकिन ऐसे कैसे जा सकते हो हमारी आपस की बात थी उसके बारे में क्या सोचो। मैंने सबको बता भी दिया। सबको बता दिया? हाँ। क्या बताया? यही के हम दोनों शादी करने वाले हैं। नहीं ऐसा कैसे हो सकता है भाई। मेरी तो वैसे ही लंदन में एक बीवी तीन बच्चे है मैं तुझे शादी नहीं कर पाऊंगा मुझे भूल जाओ तुम। जाने से पहले मैं आप लोगों को एक बात
आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं मैं कि आप किस तरह से इंसानियत की खिदमत कर रही हैं कि नौकरों को घर में घर वालों की तरह रखा हुआ है। वाह वाह वाह, खुश रहो। किसको नौकर कहा तुमने? आप लोग और कौन? हम नौकर नहीं है। अच्छा, ये जो है ना, ये मुफ्तखोरी मुफ्त में हमारे घर में रह रही है, हम है इस घर के मालिक। हाँ, ये घर हमारे नाम पर है और हम है सेठ वजीर। अरे अरे, नवीद भाई का ट्रैपोर्ट खुल गया। मैं तो तुम पे भरोसा करने लगा था, तुमसे प्यार करने लगा था, तुम्हारे लिए पागल होने लगा था, ख्वाब देखने लगा था तुम्हारे, लेकिन तुम तो ओके। अल्लाह हाफिज़। नवीद भाई, इसने आपसे झूठ बोला होगा, प्यार करती है ना आपसे? हैं तुम बचपन में भी झूठी थी, आज भी झूठी हो, और कल कल का नहीं बता देगा जी। झूठी बस कर दो, बुरी बात है। झूठी 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 झूठी। अभी मरा नहीं हूँ। अच्छा? नौशी को अगर किसी ने एक लफ्ज़ और बोला तो उसकी जान ले लूंगा, इस घर को आग लगा दूंगा। अरे यार, ये तो गुस्से में आ गया। मेरे साथ घर में जो आग लगाएगा तू। एक मिनट आंटी, मेरे साथ मिलके बोले। क्या? झूठी 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 झूठी। ओ पागल, अब क्या अखबार में बेटा देख रहा है? फिर कोई बुरी खबर सुनाएगा मुझे? अरे नहीं नहीं, इस दफा एजेंडा दूसरा है। इस बार क्या एजेंडा है? किसी लड़की का रिश्ता ढूंढना है? अरे नहीं पपन भैया, हम ना अदाकारी का काम ढूंढ रहे हैं। अदाकारी? अब तू अदाकारी करेगा? और नहीं तो क्या, हमें नवीद भाई ने ना नया बैटरी दे दिया, अब हम अदाकार बनेंगे, बहुत बड़े आदमी बन जाएंगे, लंदन चले जाएंगे। हो गया, मुल्तान आ गया, उतर जाओ। और दूसरी बात ये, उसने तुझे ना बैटरी नहीं दी है, पुरानी सेल दी है, समझ आ रही है? बोल लो बेटा बोल लो, हम बहुत बड़े अदाकार बन जाएंगे, तुम देख लेना। अदाकार तू बन ही नहीं सकता, तुझे कोई चौकीदार रख लेना, वो बहुत बड़ी बात है। ए, हम अदाकार बन गए ना, तुम हमारे मैनेजर हो गए, समझे? मैनेजर? अगर तू बन गया ना अदाकार, ये पूरा पाइप में अपने दिमाग में डाल लूंगा, समझ आ रही है? अच्छा, तो फिर हो जाए मुकाबला। हाँ, एक तरफ बब्बन एक तरफ प्यार है, बब्बन के ऊपर डाला हमने सालन के दाग और प्यार के ऊपर डाला कीचड़। कहाँ जा रहा भाई, इधर ही रहे। हाँ, हम अगर नहीं बने ना अदाकार तो हम भी अपने अम्मा के बेटे नहीं, समझे? अबे जो अम्मा का बेटा है ही नहीं, समझ आई तुझे? मतलब अम्मा का बेटा है? दिखा। अब अम्मा घर पे नहीं है, हम अपने अब्बा के बेटे हैं। हाँ तो दिखा, अब्बा भी घर पे नहीं है। नहीं, मैं कैसे मान लूं? तू कुछ दिखा ही नहीं रहा है तो मैं कैसे मान लूं? तो नहीं दिखाएंगे तो क्या होगा? इसका मतलब नहीं है अम्मा